करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो बोला एक सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन है, एक कोन है जो स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, ये हेमिस्फीयर हो गया, उसके ऊपर है एक कोन, ठीक है। बोथ दियर रेडियाई बीन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेडियस यहाँ से यहाँ से यहाँ दोनों का रेडियस हो गया आर 1 सेंटीमीटर। मतलब कोन का भी रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और इनकी हाइट ऑफ द कोन, जो इसकी हाइट है वो भी इसकी रेडियस की इक्वल है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो हाइट हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, पाई की टर्म में आंसर चाहिए और इस सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए। तो लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में कितने फिगर है, 2 हैं, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोला है कि 2 फिगर है तो पूरे का फिगर का वॉल्यूम निकालना है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर सेम है दोनों का, तो इसमें क्या है, हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे हम कॉमन निकाल लें तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, गलती होने के चांस कम होंगे। तो कॉमन देखो क्या है इनमें, इसमें 1/3 कॉमन है, ठीक है, 1/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर या आर क्यूब है, तो कम वाला बाहर आ जाता है, तो आर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, ये चला गया, ये गया, बचेगा एच, यहाँ से 2 बचा, आर स्क्वायर गया, एक आर बचेगा। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, नहीं वैल्यू डालनी नहीं इसकी, सॉरी, ठीक है। अब हम इसकी ऐसी वाली वैल्यू डालते हैं आर की और एच की, तो आ जाएगा 1/3 पाई ऐसी रहेगा, आर की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर, एच की जगह 1+2 × 1, क्योंकि आर भी 1 है, तो आ जाएगा 1/3 पाई, ये 2 × 2 + 1 = 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई, और ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।